प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो विद्यार्थियों, हमने पीछे के जो वीडियो है उसमें जेट के सिलेबस की यूनिट 1 से लेकर 4 तक का अध्ययन किया। टोटल जो अपना सिलेबस है बायो का जेट के अंदर, उसको हमने 8 यूनिटों में डिवाइड किया। और आज हम चर्चा करेंगे जेट के सिलेबस की 5वीं 6ठी यूनिट का। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि बोटनी या वनस्पति शास्त्र से संबंधित अपनी 5 यूनिट थी और 3 यूनिट अपनी जूलॉजी से संबंधित है, तो आज हम 5वीं और 6ठी यूनिट के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही अपने जानेंगे कि इसके लिए कौन सी रेफरेंस गाइड अपने लिए सहायक सामग्री के रूप में काम में ली जा सकती है। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपने बायोलॉजी के सिलेबस की 5वीं यूनिट और 6ठी यूनिट का सिलेबस, महत्वपूर्ण टॉपिक और उसके लिए काम में ली जाने वाली रेफरेंस गाइड। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये अपने जेट के सिलेबस की 5वीं यूनिट के टॉपिक है। इस 5वीं यूनिट को हमने 4 टॉपिक के अंदर डिवाइड किया है। पहला टॉपिक है अपना रोगों का वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण अपना रोगजनक के आधार पर, मौसम के आधार पर, फसलों के आधार पर, पोषक तत्वों की कमी के आधार पर करना है। सेकंड अपना टॉपिक खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग है। थर्ड अपना रबी की फसलों के प्रमुख रोग, और चौथा टॉपिक है अपना राजस्थान में फल फसलों के प्रमुख रोग। तो विद्यार्थियों, इसमें अपने को पहले टॉपिक का जो अध्ययन करना है वो है अपने एग्रीकल्चर बायो की बुक का 5वां चैप्टर, पादप रोग विज्ञान परिभाषा व शब्दावली। जो अपना दूसरा टॉपिक है खरीफ की फसल के रोग, उसके लिए अपने को 6ठा चैप्टर पढ़ना है 12वीं क्लास की एग्रीकल्चर बायो की बुक का खरीफ फसलों के रोग। तीसरा जो अपना टॉपिक है रबी की फसलों के रोग, इसके लिए अपने को एग्रीकल्चर बायो की बुक का 7वां चैप्टर पढ़ना है। और अपना जो चौथा टॉपिक है फलों के प्रमुख रोग, इसके लिए अपने को पढ़ना है एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बुक का 8वां चैप्टर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपने जो 5 यूनिट का सिलेबस अब तक जो हमने पढ़ा है वो अपने बॉटनी से संबंधित सिलेबस है। अपनी जो 6ठी, 7वीं और 8वीं तीनों जो यूनिट है वो अपना जूलॉजी का सिलेबस है विद्यार्थियों। तो 6ठी यूनिट में अपने को एनिमल किंगडम पहले टॉपिक का विशेषताएं और वर्गीकरण ध्यान में रखनी है। सेकंड जो टॉपिक है अपना वो है जंतु वर्गीकी व वर्गीकरण, एनिमल टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। थर्ड अपना जो टॉपिक है वो है शरीर का संगठन और जंतु ऊतक। और चौथा अपना जो टॉपिक है वो है बाहरी व आंतरिक आकारिकी तथा कुछ जंतुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो 6ठी यूनिट में अपने फर्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए 11वीं क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसके 29वें चैप्टर का अध्ययन करना है। और जो सेकंड टॉपिक है इसके लिए अपने को जूनियर क्लास की बायोलॉजी की बुक के 29, 30 और 31वें चैप्टर का अध्ययन करना है। थर्ड जो टॉपिक है शरीर का संगठन और जंतु ऊतक, इसके लिए अपने को जूनियर क्लास 11वीं क्लास की बायोलॉजी की बुक के 32वें चैप्टर और 33वें चैप्टर का अध्ययन करना है। चौथा जो अपना टॉपिक है इसके लिए अपने को अध्ययन करना है जूनियर क्लास की बायोलॉजी बुक के 34वें, 35वें और 36वें चैप्टर का। तो विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की बायोलॉजी के सिलेबस की 5वीं और 6ठी यूनिट के बारे में कि किस प्रकार से अपने को इनका अध्ययन करना है, कौन सी रेफरेंस गाइड अपने इसके लिए काम में लेनी है। तो अपनी जो 7वीं और 8वीं जो यूनिट है अपनी जूलॉजी से संबंधित, जो कि बायोलॉजी के सिलेबस की अंतिम यूनिट होगी, उसका अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो विद्यार्थियों, और अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल DRR बायोलॉजी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर आपको पसंद आ रहा है। तो रेफरेंस गाइड जो मैं यूज में लेने के लिए
आपको बता रहा हूँ वो 60 से 70% अपना जो सिलेबस है वो कवर करती है। तो आप अपने घर पे बैठकर आराम से जेट का सिलेबस का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो और अधिक जो 7वीं 8वीं यूनिट है इसके बाद अपने ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रयत्न करेंगे लगाने का, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद चल रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों के लिए और बंद चलें अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने लिए ऑनलाइन स्टडी का भी एक माध्यम अच्छा रहता है। तो आप आराम से घर पे बैठ के अपनी स्टडी को जारी रखें। धन्यवाद।